हाय गाइस, वेलकम टू बैक। दोस्तों, पिछले अभी हमने पढ़ा था एनसीईआरटी क्लास 6 में चैप्टर 1, और वो आपको पढ़ा चुके हैं इसमें। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो बाकी रह गई थी उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एस्ट्रोनोमर्स कौन होते हैं, यानी जो खगोलीय पिंड के बारे में, उनकी मूवमेंट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उन्हें एस्ट्रोनोमर्स कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन इंडिया के, एंशिएंट इंडिया के ही एक एस्ट्रोनोमर्स हैं। इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि चंद्रमा और ग्रह जो हैं वो सूर्य की रोशनी में चमकते हैं। इसके अलावा हमने सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में आपको 8 ग्रह के बारे में बताया था, 8 ग्रह के बारे में। 2006 से पहले ये 9 ग्रह माने जाते थे, और जो 9वां ग्रह है सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में सबसे बाहर, वो यम ग्रह यानी प्लूटो है। और 2006 तक ये माना जाता था कि ये एक ग्रह है, लेकिन 2006 के बाद उसे अब ग्रह नहीं बल्कि एक डार्क प्लैनेट्स, यानी आप उसे खगोलीय वस्तु के रूप में ही जाना जाता है। सूर्य की जो लाइट है, इसके अलावा जो सूर्य की लाइट है उसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी सूर्य की रोशनी जो पृथ्वी पर पहुंचती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से पहुंचती है, और इसको पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का टाइम लगता है। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 2/3 पार्ट जो है वो पानी से ढका हुआ है, 2/3 पार्ट पर पानी है, और पानी होने की वजह से इसकी जो आउटर स्पेस है और वो नीले दिखाई देती है, ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और पृथ्वी पर लाइफ सपोर्टिंग की जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन, वो काफ़ी मात्रा में मिलती है, और यहाँ पर जो लाइफ को सपोर्ट करने वाली जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं। चंद्रमा की जो दूरी है पृथ्वी से वो 384,400 किलोमीटर, 384,400 किलोमीटर दूरी पर चंद्रमा स्थित है पृथ्वी से। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन का समय लगता है। 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है, और इतना ही समय चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगता है। एक अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में भी 27 दिन का समय लगता है, और चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन का समय लगता है। नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग फर्स्ट ऐसे पहले आदमी हैं, फर्स्ट मैन हैं जो सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचे। 21 जुलाई 1969, 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचे। अगर हम इंडियन मैन की बात करें तो सबसे पहले राकेश शर्मा, राकेश शर्मा सबसे पहले फर्स्ट इंडियन है जो सबसे पहले चांद पर पहुंचे, और ये 7 दिन 21 घंटा और 40 मिनट तक स्पेस में रहे। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट तक स्पेस रहे। इसरो, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो, और सोवियत इंटरकॉस्मस स्पेस, इन दोनों कंपनियों के सहयोग से ये स्पेस में पहुंचे थे। अगर हम लेडीज की बात करें तो फर्स्ट इंडियन लेडीज जो है वो कल्पना चावला है जो सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंची, कल्पना चावला।
सैटेलाइट की हम बात करें, वो खगोलीय पिंड सैटेलाइट जो है वो खगोलीय पिंड ही है जो प्लैनेट्स के जो ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं, और ये उसी डायरेक्शन में ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं जिस डायरेक्शन में ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं जो साइंटिस्ट वगैरह जो पृथ्वी से उनकी कक्षाओं में पृथ्वी के बाहर भेजते हैं वो ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं, और जो एक रॉकेट के माध्यम से रॉकेट के थ्रू पृथ्वी से भेजे जाते हैं और पृथ्वी के बाहर भेजने के बाद इनको इनकी कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। कुछ सैटेलाइट्स के नाम भी मैं बताऊं, जैसे कि इनसैट, IRS, EDUSAT, ये कुछ सैटेलाइट्स हैं जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया से बाहर इनकी कक्षाओं में भेजे गए थे। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स चैप्टर वन की, बाकी बची हुई इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि जिसने जो भी हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कुछ भी आपको जानना हो या कुछ आप समझने में कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।